बेटी पैदा होना बना श्राप, पति और सास ससुर ने बेरहमी से मारपीट कर घर से निकाला, रुला देगी इस माँ की दर्द भरी दास्ता। खबर शिवपुरी से है। सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना जैसी योजना चला रही है, चलाकर समाज में बेटियों को बराबरी का दर्जा देने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी ओर समाज का एक बड़ा हिस्सा आज भी ऐसा है कि उसे इन सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसके घर में बेटी पैदा होने पर मातम छा जाता है, इन्हें लक्ष्मी चाहिए, लेकिन बेटी पैदा होने पर गृह लक्ष्मी पर जुल्म ढाए जाते हैं। ऐसा ही एक मामला शिवपुरी जिले के भौंती थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां बेटे की चाह में हैवान बने पति और ससुराल वालों एक विवाहिता पर जुल्मों की इंतहा कर बेरहमी से मारपीट कर घर से निकाल दिया। महिला का कसूर केवल इतना था कि उसने लगातार 4 बेटियों को जन्म दिया, जबकि पति और ससुराल वाले महिला से बेटे की रख रहे थे। गुरुवार को जख्मी हालत में महिला ने अपने पिता के साथ SP ऑफिस में शिकायत दर्ज कराते हुए बेरहम पति और ससुराल वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही कर जेल भेजने की मांग की है। देखिए क्या कहा पीड़िता और उसके पिता ने। खुशबू कहाँ की निवासी हो, कहाँ रहती हो? दबिया रहती है। ससुराल कहाँ है तुम्हारी? दबिया। दबिया में? और मायका? ढलापे। तो क्या घटना हुई आपकी, यहाँ SP ऑफिस पे आई हो आप? जो घटना हो गई कि वो मुझे जान से फेंकने चाहती है, मार के पूरे घर धमकी देती है कि मारती है। किस किसने मारपीट करी है आपकी? बहुत ज्यादा, हाथ पाँव बिल्कुल फ्रैक्चर कर दिया है। कौन 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 ने मारा है? मुंडी चोटी दी। नहीं, किसने मारपीट की आपकी? कौन कौन ने मारा? नहीं बता पा। पति ने और मैंने ने पति और सास ने मारी। पति और सास ने? क्यों क्यों मारा, क्या नाम है उनका, क्यों मारा, क्या कारण था? इस कारण था कि मार के फेंक दी जान। कारण क्या था? कोई भी आपसी विवाद वगैरह था क्या, कोई पुराना? नहीं। तो कारण क्या था, क्यों मार मोड़ी? बोल नहीं पा रही। चार लड़की हैं मेरी, बेजा कह रहा है कि बच्चे कौन है, हो रहे बच्चे क्यों नहीं हो रहे, हम दूसरी शादी करेंगे। अच्छा लड़का क्यों नहीं हो रहा? उसी की गलती है ना। अच्छा लड़के की वजह से मार रहे हैं क्यों? चार लड़की है, आपके लड़का नहीं है इसलिए मार रहे हैं, इसलिए आपको मार के दूसरी शादी करना चाहते हैं। कई बार मारी, कई बार। तुम पूछो। क्या नाम है आपका? नंदराम। कहाँ के रहने वाले हो? ढला। ढला के? हाँ। तो आपकी शादी कहाँ हुई थी आपकी लड़की की? हमारी लड़की की दबिया, गोविंद दबिया। गोविंद दबिया कौन से थाने में आता है? भौती। अच्छा क्या मामला हुआ है? मामला ये हुआ कि इसके पास है 4 बच्चे, तो कई बार मारी इसके लाने से हम गम खा गई। पंचायत लगी, पंचन में बोले तो फिर मंजूर हो गया देवी के मारे 5 लाख रुपया ला जाने शादी में मांग करी, सो हमने 5 लाख रुपया दहेज दा पूरा मोटरसाइकिल दे अच्छी, अब जाके हैं ना ही हो रही बच्चा, तो इसलिए इस कारण से हम दोबारा ब्याह करते। लड़का नहीं हो रहा? लड़का नहीं हो रहा हो तो मतलब कितनी लड़की हैं? 4 मोड़ी, 4 बच्ची हैं। तो हमें धमकी दे रहा है। अच्छा इनको लड़का नहीं हो रहा आपकी बच्ची को, तो क्या बोल रहे हैं इनके मायके वाले? जब सासरे वाले जब बोल रहे के सासरे वाले सॉरी जब बोल रहे के मतलब लड़का ना हो रहा तो दूसरी शादी कर लेंगे, या मर जाए या घटना हो जाए या छूट जाए, जब बोल रहे। काय काय से मारपीट की है? कुलाड़ी की मूंद से और फाड़िया से की मूंद से। किस जगह मारा है? मारा जी घर पे, जो पूंद कुगा पे मारी है, जो पौध फूटे धरे पूरे हाथ फ्रैक्चर हैं, डॉक्टर ही भाई मोती थाने रिपोर्ट करी तो कोई सुनवाई ना ही आई। 5,000 रुपये ले ला बिन्ने से कोई गम हो गए, 5,000 हम पे ले ला बिन्ने दे रहे 20, तो कोई सुनवाई ना ही आई।